नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज और खबरों के पोस्टमार्टम सीरीज के साथ मैं हूं निशा कश्यप। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के एपिसोड 15 को। दुनिया में कौन सा देश कितना ताकतवर है ये आप कैसे समझते हैं? कहीं आप भी तो ये नहीं समझते कि जिस देश की जितनी अच्छी इकोनॉमी वो उतना मजबूत देश? अगर हाँ तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि देश की ताकत उसके पास मौजूद हथियारों और बम की गिनती से होती है। अब एक सिंपल लाइन बताते हैं जो इस बात को साबित करेगी। लगातार यूक्रेन पर हमले के कारण रूस की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, लेकिन फिर भी रूस को जीत की उम्मीद है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास इतने हथियार हैं कि वो एक बार में दुनिया को खत्म कर सकता है। आज का ये वीडियो हथियारों के विश्लेषण पर ही आधारित है, जिसमें हम बताएंगे कि किस देश के पास कितने और कौन से हथियार हैं और उनका परीक्षण पहली बार कब किया गया था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दुनिया में अभी तक 9 ही देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, इजराइल और उत्तर कोरिया है। हालांकि परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं बताता। थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले वर्ष अपनी एक रिपोर्ट बताई थी, जिसमें कि 2020 के हिसाब से 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। इस संस्था के मुताबिक 1,800 परमाणु बम हाई अलर्ट पर रहते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कम समय के भीतर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रूस से। जानकारों की माने तो रूस इसलिए ताल ठोक रहा है क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 6,255 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5,550 परमाणु बम है। यानी दुनिया में जितने परमाणु बम हैं, उसका 90% हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के पास है। अमेरिका भी जानता है कि हमसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। रूस के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है और सबसे शक्तिशाली वायुसेना और नौसेना भी है। रूस ऐसा देश है जो दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे अधिक सैन्य खर्च उठाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस की सेना में आधुनिक हथियारों की हिस्सेदारी 71.2% है। रूस के पास 12,950 टैंक है, जो यूएस की टैंक की संख्या का दोगुना है। रूस में 9,00,000 एक्टिव मिलिट्री है और जबकि 4,100 से अधिक एयरक्राफ्ट है, जबकि यूक्रेन के हथियारों की संख्या 2,50,000 है। इसमें एक्टिव कर्मियों की संख्या 2,45,000। यूक्रेन के पास 225 एयरक्राफ्ट है और 2,430 टैंक है। वहीं अमेरिका के पास कितने परमाणु और हथियार हैं, उस पर बात करते हैं। अमेरिका के पास 1,800 हथियार तैनात है, जबकि 2,000 हथियार रिजर्व में रखे गए हैं। इनके अलावा अमेरिका के पास 1,760 और परमाणु हथियार भी हैं। अमेरिका ने 1945 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था। अब आते हैं उत्तर कोरिया पर। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ने 2006 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था। वर्तमान में उसके पास 40 से 50 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। अब अगला देश है इजराइल। इजराइल ने पहली बार नाभिकीय परीक्षण कब किया, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं है। फिलहाल इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार होने की बात कही जाती है। इजराइल ने भी परमाणु हथियारों की कहीं तैनाती नहीं की है। अब करते हैं भारत की बात। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में कुल 156 हथियार हैं, जिन्हें रिजर्व रखा गया है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत ने परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं की है। भारत ने पहली बार नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया था। अब बात करते हैं अपने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं की है और उन्हें रिजर्व रखा है। पाकिस्तान ने 1998 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था। यानी कि पाकिस्तान हथियारों के मामले में हमारे देश भारत से आगे है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के पास मौजूद परमाणु हथियारों के जखीरे में कुल 225 हथियार हैं। इनमें से 120 परमाणु हथियारों को ब्रिटेन ने तैनात कर रखा है, जबकि 105 हथियार उसने रिजर्व में रखे हैं। ब्रिटेन ने पहला नाभिकीय परीक्षण 1952 में किया था। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस ने 1960 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था और फिलहाल उसके पास 290 परमाणु हथियार मौजूद हैं। फ्रांस ने 290 परमाणु हथियारों की तैनाती कर रखी है और 10 हथियार रिजर्व में रखे हैं। अगला देश है चीन।
चीन ने 1964 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था। उसके पास कुल 350 परमाणु हथियार मौजूद हैं। उसने कितने परमाणु हथियार तैनात किए हैं और कितने रिजर्व में रखे हैं, इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अगर परमाणु शक्ति देशों की बात करें तो रूस और अमेरिका के बाद चीन का नंबर आता है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहें खबरों का पोस्टमार्टम और बने रहें एचसीएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।